आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र क्षेत्रीय समाचार विभाग का 67वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस आकाशवाणी की शुरुआत 1957 में गुवाहाटी का क्षेत्रीय समाचार विभाग शुरू किया गया था। आकाशवाणी गुवाहाटी ने कॉटन यूनिवर्सिटी में अपना स्थापना दिवस शूद मार्शल हॉल में भव्य तरीके से मनाया। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित उद्घाटन समारोह में आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक ओंकार केडिया, गुवाहाटी के मेयर मृगेन शरणिया, एडीजीपी हिरेन नाथ, एडीजी प्रसार भारती आशीष भटनागर और राज्य के कई वरिष्ठ पत्रकार और लेखक भी शामिल हुए। बहुत आभार कि आज उन्होंने ये एक आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? आयोजन का उद्देश्य होता है सब लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को समझें और सभी चीजें आगे बढ़ें। और शायद आकाशवाणी से अधिक मेरे अभी तक की लाइफ में कोई ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन कहिए, या क्योंकि मेरे लिए आकाशवाणी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक विचार है जो लगभग 85 वर्ष की यात्रा पूरा कर चुका है। किस अभी हमने गाने में भी सुना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबको साथ लेकर चलने की जो परंपरा आकाशवाणी ने 1937 से शुरू की है। Writing knowledge for day-to-day communication, you study an English newspaper or even listen to the English bulletin. So it was not very easy to get an English newspaper in those days. But what was easier? Just switch on the radio and then the greats like Borun Halder. इस क्षेत्र में कम्युनिकेशन और कौशल में सुधार के लिए और भी अहम चर्चाएं की गईं। समारोह में राज्य सूचना आयोग डॉक्टर समुद्रगुप्त कश्यप, ऑयल इंडिया लिमिटेड के आरसीई प्रशांत बरकाकती, यूनिसेफ की उत्तर पूर्व मुख्य मधुलिका जोनाथन और पर्यावरणविद डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संचालन पत्रकार संतनु रोमानिया और अरुणिमा गोस्वामी ने किया। मिलाप नाम के इस कार्यक्रम में समाचार विभाग के नए और पुराने संपादकों और समाचार प्रस्तुतकर्ताओं का भी जमावड़ा हुआ। कार्यक्रम का संचालन उत्पल कुमार दास और अशोक कुमार दास ने किया। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ता ग्लोबल। धन्यवाद।